नमस्कार किसान भाइयों, आपकी अपना यूट्यूब चैनल यूपी किसान हमारा जान आप सभी का स्वागत करता है। किसान भाइयों, आपकी फसल हमारी प्रयास। किसान भाइयों, आइए बरसात में गोभी लगाने की एक नए तकनीक के साथ, एक नए जानकारी के साथ इस वीडियो में। तो बने रहिए आपके साथ, हम हैं शत्रुघ्न सहानी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आइए पहले हम बात करेंगे कि कैसी मिट्टी की बनावट होनी चाहिए, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी में कौन सी खाद डालनी चाहिए, कौन सी बीज लगानी चाहिए, साथ ही कौन सी बीज मतलब लगाने से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, किस मतलब उर्वरक से हमारे प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब कौन सी उर्वरक डालने से हमारी मिट्टी जो होगी वो उपजाऊ रहेगी। जिससे कुछ उर्वरक ऐसे हैं जिसे हम डालने से हमारी भूमि ऊसर हो जा रही है, मतलब हमारे खेत में कोई फसल ज़्यादा उपज नहीं दे पा रही है। तो आइए किसान भाइयों, इसकी पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, आपकी फसल हमारी प्रयास। खेत को हम बढ़िया से जुताई करवा देंगे, मतलब एक कल्टीवेटर से हम बहुत मध्यमी क्वालिटी से जुतवा देंगे, और साथ ही उसे कंप्यूटराइज रेगुलेटर मशीन से हम उसे एक समतल खेत को बराबर करा देंगे, ताकि हमारी बरसात में पानी ना लगे और उसमें हमारी जल निकास की व्यवस्था हो सके, ताकि हमारे बरसात में अगर पानी आए तो उसमें से हमारी पानी ना रुके। जब समतल रहेगी तो एक तरफ ढाल बनाने के बजाय हमारी सब पानी निकल जाएगी। किसान भाइयों, हमारे खेत में एक एकड़ में 2 टाली गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देंगे। किसान भाइयों, तीसरी चीज़ हमारे खेत में खेत का पीएच मान, किसान भाइयों खेत का पीएच मान 5.5 से 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तभी तो हमारी अच्छी उत्पादन मिल सकती है। बीज नर्सरी डालने की अगर सही बात करें तो उसे हम बढ़िया से खेत की जुताई करेंगे, उसे बहुत बढ़िया से हम उसे मिट्टी को जो है उसे भुरभुरी करके उसमें बीज लाइन विधि से हम डाल सकते हैं, या तो हम उसे छिड़ के उसमें कुछ मतलब मिट्टियों से उसे मतलब ऊपर से मिट्टी डाल देंगे तो नीचे दब जाएगा। अगर आपके पास मतलब सड़ी गोबर की खाद नहीं मिलती है तो हम मतलब मुर्गी फार्म से खाद ले सकते हैं या वर्मी खाद ले सकते हैं, जैसे हमारे खेत की मतलब अच्छी से मिट्टी जो है उसमें ज़्यादा उपज ले सकें। किसान भाइयों, अगली हमारी बात करेंगे मतलब बात मिट्टी की, तो जो हमारी मिट्टी होगी वो थोड़ा 80 किस्म की होनी चाहिए, जैसे बलुई मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, डोमट मिट्टी हो गई, यानी कि गोभी हर एक फसल पे हर एक मिट्टी पे यह हो सकती है, लेकिन वह उपजाऊ होनी चाहिए सिर्फ। किसान भाइयों, बात करते हैं हम बीज की, कौन से हमें बीज लगानी चाहिए। जो आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ सिंजेंटा कंपनी की CFL 1522 जो हमारी गोभी लगी है, जो आप वीडियोज़ के माध्यम से देख पा रहे होंगे। किसान भाइयों, अगर एक एकड़ बात करें कि मतलब एक एकड़ में कितने पौधे लगेंगे, तो एक एकड़ खेत में 18 से 20 हज़ार पौधे लग सकते हैं। अपने लगाने के हिसाब आप किस प्रकार लगाते हैं वो आपके वहाँ के विधि से आप लगा सकते हैं। हमारे वहाँ किसान भाइयों 18,000 पौधे लगते हैं एक एकड़ में। किसान भाइयों, बात करें कि हमें कौन कौन सी उर्वरक डालनी चाहिए, ताकि अगर आपकी बलुई मिट्टी है, अगर पौधा विकास नहीं कर रहा है, तो उसमें हम पहले एक एकड़ में 20 किलो DAP ले लेंगे और 15 किलो MOP पोटास, दाना वाली पोटास ले लेंगे, और 25 kg उसमें हम यूरिया ले लेंगे, और उसे मतलब डाल के मतलब उसके मतलब छिड़काव करके गोभी खेत में, और उस पर हमें निराई गुड़ाई कर देंगे। साथ ही 1 से 2 दिन बाद उसमें पानी चलाएंगे तो उसके 3रे या 4थे दिन बाद पौधा आपका विकास होने लगेगा, आपको खुद इनकेजिंग देखने लगेगा। किसान भाइयों, बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगर आपकी गोभी मतलब 15 से 20 दिन की हो चुकी है, पौधे थोड़ा पीलापन है या हरा नहीं हो रहा है या विकास रुक गया है, तो उसमें आप पानी चलाते हैं या पानी चलाने वाले हैं, तो उससे पहले अगर पानी चला चुके हैं उसके बाद हमें यूरिया और नाइट्रोबेंजीन या माइक्रो न्यूट्रेंट या सल्फर न्यूट्रेंट या
कोई भी जिंक या जिंक युक्त सल्फर युक्त हम माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं। और पानी चलाने वाले हैं तो उसमें ज़मीन में हम कुछ कार्बनिक खाद डाल देंगे, जैसे कि अल्टोज हो गया, यूनिफ्लावर हो गया, इत्यादि अगर दवाइयाँ हैं। अगला पॉइंट, अगर आपका फूल पीला हो रहा हो, यानी कि अगर धूप से या कोई प्रॉब्लम, आपकी पौधा छोटा है, ज़्यादा धूप लग रहा है, तो आपकी जो फूल होंगे थोड़ा पीला होंगे। अगर वे आपको सफ़ेद करना चाहते हैं तो हम मल्टीप्लेक्स कंपनी की बोरॉन ले लेंगे, जो बाज़ार में 500 से ऊपर, मतलब 550 से 600 के रेट पे आपको मिल जाएगी। किसान भाई, जो मल्टीप्लेक्स की अल्बोर बोरान होती है वो सबसे अच्छा और सबसे सुंदर काम करती है। ना ही हम किसी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं और ना ही किसी मतलब कंपनी के हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हम ओनली अपने अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको हम अपना शेयर कर रहे हैं, ताकि हमारे और किसान भाई जो हैं, जो आपके मतलब अपने गोभी के फूल पीले हैं उनसे परेशान हैं, तो भी उनकी भी फूल हरा हो सके, मतलब सफ़ेद हो सके। किसान भाइयों, यह 1 किलो से ऊपर की मतलब फूल देता है, जो सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 है। किसान भाइयों, बात करें कितने दिन में तैयार होता है, तो वह ट्रांसप्लांटिंग के 45 से 50 दिनों बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है।